जहां तो जम्मू कश्मीर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कई पैमानों पर यह बात साबित भी हो रही है और घाटी में पत्थरबाज जैसे गायब से हो गए और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त होते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनकी तरक्की होगी, तो फिर हिंसा की जगह बची कहां रहती है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से 370 हटी। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे, आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ। जोर से ताली बजाइएगा, पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। 3 साल की आतंकी घटनाएं और इनमें मारे गए जवानों और आम लोगों की तुलना की गई। आंकड़े बताते हैं, 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वही 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। इसलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ठेंगे पर रखा है, इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को कौड़ी बराबर नहीं समझता, क्योंकि 370 हटते ही आतंकियों को संरक्षण देने वाली ताकतें कमजोर हुई और भारत ने ये ठान लिया कि पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए, मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी, दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंकेंगे। नई कश्मीर नीति में अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। 370 की विदाई के साथ ही पत्थरबाजों का भी बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। 2019 में पत्थरबाजी की 618 घटनाएं, 2020 में पत्थरबाजी की 222 घटनाएं, 2022 में पत्थरबाजी की सिर्फ 64 घटनाएं, यानी कि करीब 88% की गिरावट। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ा है और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। केंद्र सरकार जानती है कश्मीरियों को बंदूक से मुक्ति दिलाना है तो हर हाथ को रोजगार देना होगा, आम कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाना होगा, नई उम्मीदें, नए सपने देखने का माहौल बनाना होगा और ये तभी होगा जब कश्मीर में निवेश बढ़ेगा। इसके प्रयास हो रहे हैं और इसके नतीजे दिख रहे हैं। 70 साल में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ का निजी निवेश हुआ, जबकि अगस्त 2019 के बाद 3 सालों में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। राज्यसभा में खुद सरकार ने बताया 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिले। केंद्र सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिले।
प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इनका असर भी तेजी से दिखेगा। इसलिए केंद्र सरकार भरोसे से भरी है कि कश्मीर में बदलाव निश्चित है। हिमांशु मिश्रा के साथ आश्रवाणी श्रीनगर आज तक।